ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी सरकार को सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। पेपर लीक, जी हां, अब उनकी सरकार को पेपर लीक सरकार कहा जा रहा है। विपक्ष उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से हावी है और उनसे सवाल जवाब कर रहा है, सरकार के पास जवाब देते नहीं बन रहा है। ऐसे में कई सवाल है जो गंभीर है। विपक्ष सड़क पर भी उनको घेरने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ संसद में भी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक तरीके से सरकार के खिलाफ ऐलान कर दिया है, या ये कहें ऐलान जंग कर दिया है। साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत है और अब सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने जो टिप्पणी नरेंद्र मोदी पर की है वो भी इस बात को दर्शाता है कि विपक्ष इस वक्त पूरे मूड में है। चुनाव के बाद अपनी बड़ी ताकत का उसको एहसास है और उसको इस बात का भी अंदाजा है कि ये वो सरकार नहीं है जिसके पास 303 की अपना अलग बहुमत था। ये वो सरकार है जिसके पास 240 सांसद है, यानी बहुमत से दूर, और बहुमत सिद्ध करने के लिए उसे अपने सहयोगियों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पेपर लीक सरकार क्यों कही जा रही है। अगर आप स्क्रीन पर नजर डालें तो नीट को लेकर जबरदस्त तरीके से पिछले दिनों काफी गहमा गहमी हुई है। नीट के पेपर लीक हुए हैं, 26 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं, इनमें 4 लोगों को बिहार में गिरफ्तार भी किया गया है। सरकार की तरफ से जांच कमेटी का आदेश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, क्यों नहीं इसके पेपर को कैंसिल कर दिया जाए। इसके साथ साथ यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हुआ है और इसमें 11 लाख छात्र लगभग प्रभावित हो रहे हैं, परीक्षा कैंसिल हो गई है, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने आज एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है। नीट पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर आरोप है। आरोप सीधे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि किस तरीके से शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षण संस्थानों में मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि उनकी अपनी जो लॉयल्टी है बीजेपी और आरएसएस को लेकर बहुत ही मीडियाकर या बिलो मीडियाकर लोगों की भर्ती की जा रही है, जिसकी वजह से शिक्षण संस्थान बर्बाद हो रहे हैं और पेपर लीक घोटाला लगातार हो रहा है और उस पर किसी तरीके का नियंत्रण सरकार नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए बोला है कि प्रधानमंत्री का तो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया है। बहुत कड़े शब्द है, प्रधानमंत्री का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने बल पर बहुमत की सरकार चलाने का की आदत है। वो बहुमत की सरकार नहीं हो तो उनको दिक्कत होती है। इस वक्त उनका ध्यान नीट से हटकर, पेपर लीक से हटकर स्पीकर के चुनाव पर है। लेकिन देर शाम राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अवतरित हुए। जी हाँ, अवतरित हुए। जो अभी तक कह रहे थे कि नीट में अभी तक किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सिस्टम पर भरोसा रखें, किसी भी तरह की अनियमितता सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, विपक्ष राजनीति न करे, जांच होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो एनटीए का ही क्यों ना हो। एनटीए माने नेशनल ट्रेनिंग टेस्टिंग टेस्ट एजेंसी कह सकते हैं, माफ करिएगा। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। हमने इस लिए भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश की, दोनों ने मना कर दिया, इसलिए उनकी उपस्थिति यहां पर नहीं है। हम तो चाहते थे यहां पर होते और सवालों के जवाब देते। लेकिन कांग्रेस की तरफ से है आलोक शर्मा जी, यशोवर्धन आजाद साहब है, बहुत लंबा अनुभव है, वो बताएंगे कि पेपर लीक जैसी चीजों को सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती। साथ ही साथ समी अहमद साहब है जो हमको दरअसल पटना का हाल बताएंगे, जहां 4 लोग पकड़े गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ अनुपम थे जो दरअसल छात्रों को एकजुट कर रहे हैं, छात्रों को जोड़ रहे हैं, वो छात्र जो अनएम्प्लॉयड है और वो छात्र जो लगातार अपनी नौकरियों के लिए तलाश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अनुपम आपसे मेरा प्रश्न है, ये नीट की परीक्षा या यूजीसी नेट की परीक्षा पेपर लीक होना आसान बात है? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए आशुतोष जी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई थी और एक लंबे दौर के डेलिब्रेशन के बाद इस तरह की एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बनी थी हमारे देश में परीक्षाओं को सुचारू ढंग से कंडक्ट करने के लिए। आपको याद होगा 2017 के करीब हमारे युवा हल्ला बोल आंदोलन का एक एसएससी में इरेगुलरिटीज के खिलाफ बड़ा मूवमेंट हुआ था, जिसके कोर डिमांड्स में से ये था कि हमारे देश में परीक्षाओं को कंडक्ट करने के लिए और
वो चाहे एंट्रेंस एग्जाम्स हो चाहे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हो, इनके लिए सरकार के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि सरकार को इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्राइवेट एजेंसीज को प्राइवेट कंपनीज को आउटसोर्स ना करना पड़े। क्योंकि कई मामलों में क्या होता था कि जब कोई गड़बड़ी होती थी तो अंततः कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होती थी, कोई प्राइवेट आईटी कंपनी होती थी, जिसके किसी कर्मचारी को जेल में डाल के सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच जाती थी और फिर कह देती थी कि दोबारा इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, एट बेस्ट ये कहा जाता था। तो हमने कहा कि भाई सर, जब प्राइवेट कंपनीज हमारे देश में ऐसी इन एग्जाम्स को कंडक्ट कर सकती है तो सरकार के पास अपनी एजेंसी क्यों ना हो। एनटीए बनी, उसके 2020 में तो खैर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की भी बात हुई जो अब तक नहीं आई है। तो एनटीए देखिए एक बहुत ही अच्छी नीयत से बनाई गई एक एजेंसी थी, जिसका मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल की कमी के कारण पिछले कुछ समय में बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। अभी हम नीट के में जो ये जो लेवल्स ऑफ इरेगुलरिटीज है वो इतने हैं, वो ऐसा नहीं कि एक पेपर लीक हो गया और सिर्फ उस पे शोर हो रहा है, मतलब परत दर परत कई कहानियां हैं, कई चीजें हैं जो एडअप होती ही नहीं, बस इतना कुछ सार्वजनिक है कि इस पर सरकार को या किसी भी सत्ता में बैठे ऐसे व्यक्ति को 2 सेकंड नहीं लगना चाहिए था इसकी स्वतंत्र जांच की घोषणा करने पर। इसकी जांच करवाते हैं और देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन नीट की जांच की घोषणा नहीं हुई। उल्टा शिक्षा मंत्री ने जब पहला बयान दिया नीट मामले में तो जो उनके बयान का जो पहला लाइन था उसमें उन्होंने पेपर लीक की बात को ही खारिज कर दिया, ये जानते हुए कि बिहार पुलिस की जांच चल रही है, जब परीक्षा हुई थी मई के महीने में उस वक्त से चल रही है और बिहार पुलिस की पूरी जांच पेपर लीक के इर्द गिर्द ही घूम रही, और बिहार पुलिस ने एनटीए से कोऑपरेशन मांगा और खुद बिहार पुलिस ने यह बताया कि हमें पिछले 1.5 महीने से वो कोऑपरेशन मिल ही नहीं रहा है सेंट्रल एजेंसी से। यहां पे तो और ज्यादा गड़बड़ी है, आप समझिए 67 स्टूडेंट्स का टॉप कर जाना ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस नीट की परीक्षा में, जहां पे कि 1-2 या एट मैक्स 3-4 लोग टॉप करते हैं, टेक्निकली इम्पॉसिबल स्कोर, मतलब 720 तो मैक्सिमम मार्क्स है, जो सेकंड बेस्ट स्कोर हो सकता है वो 715 हो सकता है, क्योंकि सही जवाब पे +5 है और अगर आप एक सवाल छोड़ देते हैं तो आपको 0 मिलता है, अगर गलत हो जाता है तो -1 होता है, तो आपको 716 आएगा या फिर 715 आएगा, 718 719 का स्कोर ही नहीं हो सकता स्टूडेंट्स को 718 719 मार्क्स मिले। और उसके बाद जिस एग्जाम का रिजल्ट आने की घोषणा निर्धारित थी कि 14 जून को परिणाम आएगा, आपने तो देखा आशुतोष जी, हम लोग लंबे समय से इसके खिलाफ भी आंदोलन करते आए हैं कि जो डिले इन एग्जाम रिजल्ट जो हमारे देश में है, जो निर्धारित तिथि होती है उससे काफी ज्यादा लंबा समय लग जाता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो निर्धारित तारीख थी उससे 10 दिन पहले 4 जून को परिणाम एकाएक घोषित कर दिया गया, और 4 जून को आपको हमको और सबको पता है कि इस देश में क्या था, पूरी दुनिया की निगाह भारत के लोकसभा चुनाव के परिणामों पर, और उस लोकसभा चुनाव के परिणाम के शोर में आखिर वो कौन था और कौन लोग थे जो इस पूरी इरेगुलरिटी को अनियमितता को दबाना चाहते थे। और परिणाम सोचिए, आप ये सोचने वाली बात है कि 14 जून के परिणाम को 4 जून को घोषित कर देना, ये तो कोई आम कर्मचारी या अधिकारी फैसला नहीं ले सकता ना। एनटीए कोऑपरेट नहीं कर रही है बिहार पुलिस से, ये आपको क्या लगता है, ये अथॉरिटी क्या कोई आम अधिकारी के पास इतना अधिकार आ जाए कि आपके ही परीक्षा के पेपर लीक की जांच कर रही है एक स्टेट पुलिस, आप उनको सिंपल सी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि भाई पेपर लीक की जांच हो रही है, आप उनको ये बता देते कि प्रश्न पत्र क्या है, आपसे अभ्यर्थियों का डिटेल्स मांगा जा रहा है, उन अभ्यर्थियों का जिनके ऊपर शक है, जिनको अरेस्ट किया जा रहा है, वो नहीं दे रहे हैं। तो देखिए गड़बड़ी तो बहुत कुछ है, और उसके बावजूद शिक्षा मंत्री आकर पहला बयान दे देते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, और आज शिक्षा मंत्री ने शायद कि वो पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। मेरा ये मानना है कि नैतिक जिम्मेदारी लेना जो है, नैतिक जिम्मेदारी लेने के बाद तो इस्तीफा दे दिया जाता था हमारे देश में, कुछ बहुत बड़ी साजिश जिसकी वजह से 4 तारीख को जो है वो नतीजे घोषित किए गए, और जो कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं। देखिए मेरा स्पष्ट मानना है ये जो पेपर लीक की घटनाएं होती है या इतने बड़े परीक्षाओं में जो बड़े लेवल पे जो इरेगुलरिटीज होती है वो कोई स्पोरेडिक इंसिडेंट नहीं होता कि खुद बखुद किसी 2-4 लोगों ने कर लिया। मैं ये मानता हूं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है,
और जिसका सिंडिकेट बहुत बड़ा होता है, और ये तभी फल फूल पाता है और चल पाता है जब सत्ता में बैठे लोगों की शह मिल गई। मतलब ये इसको पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हम किसी भी ढंग से, जब तक उनके पास जिनके हाथ में पॉलिटिकल पावर है उनके शह उनके आशीर्वाद के बिना इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती है। और ये तो देखिए हम लोग दिन रात पेपर लीक पे चर्चा कर रहे हैं आशुतोष जी पिछले कई सालों से। मेरा ये मानना है कि अगर 10 पेपर लीक की घटना हो रही होगी हमारे देश में तो हमको 2-3 ही पता चल पा रहा है। अगर सारी की सारी पेपर लीक की बातें सार्वजनिक होने लग जाए तो खुद उतने में ही पेपर लीक बंद हो जाएगा। ये तो धंधा है ना पूरा, इसके पीछे तो पैसा इन्वॉल्व है ना, वो बहुत बंद होने लग जाएगा। अभी भी मुझे लगता है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बहुत मैसिव प्रॉब्लम है और इस देश के युवाओं के साथ बहुत भद्दा मजाक हो रहा है, इस देश के भविष्य को खोखला किया जा रहा है, अंधकार में डाला जा रहा है और इस कारण से इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है नौजवान। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।